अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपके सामने, आज हम बना रहे हैं स्वीट केक। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने केक बनाया है पैन में, मीन्स चूल्हे पे इसको बेक किया हमने और बहुत मज़ेदार बना था ये केक। उसी वक्त ही सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है, हाफ टी स्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है वो ले ली है, और 7 स्पून जो है मैं पानी के डालूंगी। ये एक थोड़ा सा यूनिक केक है जो कि स्पूंस की मेजरमेंट से मैंने इसको बेक किया है। 7 स्पूंस ही मैं मिल्क लूंगी इसके अंदर। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 7 स्पूंस ही डलती हैं। तो हाफ़ टी स्पून जो है विनीगर तो ऑब्वियसली इतना वो होता है, उसको तो 7 स्पून में नहीं ना हम कर सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें, बेकिंग पाउडर या विनीगर या बेकिंग सोडा था, ये हाफ हाफ टी स्पून थे, बाकी सब चीज़ें जो है 7 स्पून थी। ये मैंने दूध के अंदर विनीगर डाला है। इसको मैंने जो है बटर मिल्क बनाया है। ये एगलेस केक है, मैं एगलेस केक बना रही हूँ, तो एगलेस केक के लिए हम लोगों ने ये बटर मिल्क यूज़ किया है। अच्छा, अब ये मैं फ्लोर ले रही हूँ। ये भी मैंने 7 स्पूंस जो हैं वो फ्लोर के लिए, आपके सामने मैंने 7 ये स्पून मैंने पकड़ा हुआ है, बस इससे सारी मेजरमेंट की है। ये हाफ स्पून जो है मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और ये बेकिंग सोडा है, ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून, 3 ही डालिएगा आप इसका। और ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, और मैं इसको जो है सीव करूँगी अपनी सिफ्ट से ना। इन मैदे को जो है इस तरह से छान के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लंग्स होते हैं बाज़ दफ़ा, और वैसे भी एयर इन्फ्यूज़ करनी चाहिए जिससे ये केक ठीक बनता है। अब 7 स्पूंस जो है शुगर, आ जाए तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बारीक पिसी हुई चीनी है, यहाँ पर बारीक पिसी हुई चीनी मिलती है। जो मोटे ग्रैनुल्स हैं वो आप मत यूज़ कीजिएगा, उसको पाउडर कर लें और फिर यूज़ करें। तो ये 7 स्पून जो थी मैंने शुगर डाली, और 7 स्पून ही मैं अब इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी का मिक्सर भी जो मैंने बनाया था, और जो मैंने बटर मिल्क बनाया, वो सब चीज़ें ऐड करूँगी इसके अंदर। ये एगलेस केक है, और बड़ा मज़ेदार सा, बहुत मज़ेदार केक बना था ये। जब मेरे बच्चों ने नहीं छोड़ा, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, हम सब ने, उसी वक्त जो है ये ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये बटर मिल्क था, बटर मिल्क मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब जो है वो जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था, मैंने वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। मीन 7 स्पूंस मिल्क लिया था, 7 स्पूंस ही वाटर लिया था, और वो दोनों चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अच्छा, अगर तो आपके पास कोको पाउडर है तो आप फ्लोर को 5 टेबल स्पूंस कर लें, और 2 टेबल स्पूंस जो है कोको पाउडर डाल लें, तो इस तरह से 7 स्पून जो है वो लेवल हो जाएगा। मैंने कोको पाउडर का टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कोको पाउडर नहीं डाला। मैं उसकी जगह ये चॉकलेट डाल रही हूँ, डेरी मिल्क सबको ही पता है कौन सी है। तो इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। मेरी बेटी भी आ गई है किचन में, उसी वक्त आती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। तो ये मैंने जो है इसको डबल बॉयलर पर, ये आप देख रहे हैं नीचे जो मैंने सॉस बना उसमें पानी रख के मैंने अच्छे तरीके से उसको बॉईल किया है, और उसके ऊपर मैंने ये बाउल रखा है, और बाउल के अंदर मैंने चॉकलेट डाल के तो इसको हम मेल्ट कर रहे हैं। चूल्हा देखें साथ ही चल रहा है, और डायरेक्ट इसको हीट पे मेल्ट नहीं करते, वरना जो चॉकलेट है वो जल जाती है। या तो आप ओवन में इसको डाल लें, क्रीम के साथ इसको मेल्ट कर लें, या इस तरह से डबल बॉयलर में इसको मेल्ट करें। और उसके 2 टेबल स्पून जो थे मैंने चॉकलेट के, वो इसके अंदर मिक्स किए। मिक्स चॉकलेट को ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, और पैन को जो है ग्रीस कर लें। कोई भी लिड वाला जो है फ्राई पैन ले लें आप, और फ्राई पैन को जो अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। वैसे मेरे इस फ्राई पैन को ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी वो ग्रीस्ड पैन होता है, ऑयल से मैंने इसको ग्रीस किया, एंड देन उसके अंदर मैंने सारा मिक्सर जो है पोर कर दिया। और इसको जो है हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि पैन के नीचे डायरेक्ट हम इसको चूल्हे पे रख रहे हैं, तो पैन के नीचे कोई भी चीज़ नहीं है। दैट्स वाई अगर आंच थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो ये नीचे, ऊपर से तो बन जाएगा लेकिन नीचे से ये हार्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टार्ट में 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि पैन आपका गर्म हो जाए। आप इसको हाई फ्लेम पे करें, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 10 to 15 मिनट्स, मेरा एक्चुअली
12 मिनट्स में हो गया था, आप 10 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लें और कि ये हो गया या नहीं। तो वहाँ पे केक जो है बेक हो रहा है, यहाँ पे मैं उसके ऊपर पोर करने के लिए पुडिंग बनाऊंगी। उसके अंदर मैंने अलग से एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के डाले हैं, 4 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला, सॉरी शुगर डाली है, और 1 कप मैंने मिल्क ऐड करके अच्छे तरीके से इसको, अगर तो आप कोको पाउडर से बना रहे हैं ये भी, तो 1 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर डालें और 1 टेबलस्पून आप कोको पाउडर डालें, क्योंकि मैंने कोको पाउडर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसमें भी मैंने वही चॉकलेट ऐड की है। तो 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, कॉर्नफ्लोर की वजह से आपका मिल्क थिक हो जाता है और चॉकलेट का टेस्ट आ गया उसके अंदर। मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड किया है ताकि वनीला एसेंस का टेस्ट आ जाए। अच्छे तरीके से इसको तब तक कुक कर लेंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए थिक हो गया है। ठीक होने के बाद मैंने उसको निकाल लिया था बाउल में और उसके अंदर मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून तक वनीला एसेंस ऐड किया है। और ये देखें ये तकरीबन 12 मिनट्स हो गए थे इसको कुक होते हुए, तो ये डन हो गया। इसको देखने का तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर स्कीवर डालें, या ये जैसे मैं ये स्पून फोक डाल रही हूँ, आप ये डाल के चेक करें, अगर तो उसके साथ केक नहीं लगा हुआ इट मीन्स कि ये डन हो गया, अगर इसके साथ केक लगा हुआ इट मीन्स कि अंदर से कच्चा है, तो इसको थोड़ा सा और टाइम दे दें। मेरा ये कंप्लीट बिल्कुल डन हो गया था, मैंने इसको निकाल लिया और ये इतना सॉफ्ट केक है, इतना सॉफ्ट कि ये टूट रहा था मैंने जब इसको ऐसे किया है ना, तो ये पूरा निकल सकता है लेकिन ये टूटेगा। अब जो पुडिंग मैंने बनाई थी सारी वो इसके ऊपर मैंने पोर कर दी है और ये इतनी मज़े की पुडिंग है, इतनी मज़े की, ये केक बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतने थोड़े छोटे से इंग्रेडिएंट से बना, ना एग डाला है इसके अंदर, और बिल्कुल 7 स्पून जो हैं, थोड़ा सा जो है, अगर आप इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लें। इसको थोड़ी देर के लिए रखें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, एंड देन उसके ऊपर मैंने क्रीम से पाइपिंग कर दिया था, उसको पाइपिंग थोड़ी सी गंदी मंदी हुई है मेरी, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है। अच्छे तरीके से इसको पाइप कर लें, कुछ भी आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप हर तरीके से जो है अपनी मर्ज़ी से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा डिज़ाइन है डेकोरेट करने के लिए, बड़ी जल्दी हो जाता है सिंपल तरीके से, तो बहुत मज़े का डिलीशियस केक बना था। होप सो आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आया, अगर पैन में बनाया मैंने तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा मेरा ये केक, और इसको बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये केक का पीस मैंने आपको निकाल के दिखा दिया और बहुत मज़े का था, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया, बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। स्कूल फंक्शंस में आप बना के इसको दे सकती हैं, टी टाइम में ये बड़ा मज़ेदार केक है और फटाफट चुटकियों में बन जाता है। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।